चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्लास 10 के भूगोल के पहले चैप्टर का खंड क पढ़ने वाले हैं। यानी पहले चैप्टर जो आपका संसाधन था उसके हम लोग खंड क में पढ़ेंगे, प्राकृतिक संसाधन। और इस प्राकृतिक संसाधन वाले चैप्टर में हम लोग भूमि के बारे में जानेंगे कि आखिर भूमि संसाधन क्या है, भूमि कितने प्रकार के होते हैं जिसको मृदा कहते हैं, और भूक्षरण क्या होता है, भू संक्षरण को कैसे रोक सकते हैं, समय पढ़ना है। यानी खंड क जो आपका है चैप्टर प्राकृतिक संसाधन, इसी को हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, एक ही वीडियो में क्लियर करेंगे। देखिए सबसे पहली बात, आपको पता है संसाधन, इसके पिछले वाले चैप्टर में मैं बता दिया था संसाधन क्या होता है। तो वे पदार्थ जो हमारी आवश्यकता को पूर्ति करते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, संसाधन। दुनिया की हर वस्तु हमारी आवश्यकता को पूर्ति करते हैं वो संसाधन। ये मार्कर है, ये हमें क्या करता है, लिखने की आवश्यकता को पूर्ति कर, ये भी संसाधन है। ये घड़ी हमें टाइम देखने की आवश्यकता को पूर्ति कर, ये भी संसाधन है। तो दुनिया का प्रत्येक वस्तु कहीं ना कहीं किसी ना किसी की आवश्यकता पूर्ति कर रही है, इस कारण से सारा वस्तु क्या एक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन का मतलब वैसे संसाधन जिसको प्रकृति ने प्रदान करी है, जैसे भूमि हो गया, जल हो गया, हवा हो गया। जैसे मैं बोलूं कि ये मार्कर कौन सा संसाधन है, अब आप ही बताइए मार्कर कौन सा संसाधन है, क्या इसको भगवान बनाया, नहीं इंसान बनाया, तो ये प्राकृतिक नहीं हो गया, ये मानव जन आपका संसाधन हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्राकृतिक संसाधन मतलब जिसको प्रकृति ने प्रदान किया है, उसमें हमें सबसे पहला संसाधन पढ़ना है भूमि संसाधन। और इसका दूसरा वाला खंड ख उठाएंगे तो उसमें जल संसाधन में पढ़ना होगा, फिर वन संसाधन पढ़ना होगा, ये सब एक ही चैप्टर्स में पढ़ना है। तो खंड क में हम लोग भूमि के बारे में पढ़ेंगे। भूमि क्या है, तो एक प्रकृति के द्वारा प्रदान किया गया संसाधन है। अब आप सोचिए कि भूमि हमारी बहुत सारी आवश्यकताओं को पूर्ति करती है। भूमि पर हम लोग खेलते हैं, रहते हैं, अपना जीवन बसेरा करते हैं, और मतलब हमारा सारा क्रिया किस पर होता है, भूमि पर होता है। अगर सोचिए भूमि नहीं होती तो हम कहाँ खड़े होते, मैं भी पढ़ा कर रहा हूं, भूमि पर खड़ा होकर आपको पढ़ा रहा हूं। बाबू दुनिया की प्रत्येक वस्तु जो खड़ी है वो किस पर खड़ी है, भूमि पर। अगर कोई बैंक से लेकर बड़का बड़का महल बनाया गया तो किस पर बनाया गया, आकाश में नहीं बनाया गया, भूमि पर ही बनाया गया। तो भूमि हमारी अनेक तरह की आवश्यकताओं को पूर्ति करती है। देखो यहां पर भूमि क्या एक प्राकृतिक संसाधन है, भूमि को प्रकृति ने प्रदान किया है। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं, और यह हर तरह की हमारी क्रियाओं को पूर्ति करती है। हर तरह की चीज हम लोग धरती पर ही करते हैं। देखो धरती पर अगर देखी जाए तो पर्वत, पठार और मैदान, ये तीन चीजें पाई जाती है, पर्वत, पठार, मैदान, और जल भी समुद्र, ये सब पाई जाती है, ठीक है ना। तो अभी हम लोग वल्ली देखते हैं, धरती पर तीन तरह की चीजें, यानी धरती अगर देखी जाए तो तीन प्रकार की इसको बांट दीजिए, ठीक है ना। प्रकार नहीं बांटेंगे लेकिन उसका भाग लेकर चलिए, पर्वत, पठार, मैदान। पर्वत आप देखे होंगे, पर्वत कैसा होता है, एकदम ऐसे होता है, उबरा खबरा ऐसे होता है, ये कभी खाल कहीं ऊंच, ऐसे ऐसे होता है पर्वत। लेकिन पठार क्या होता है, कि पठार ऐसे होता है, ये पठार देखो बुआ, पठार पथार का ही, जब ये सब कोना आपस में झड़ना शुरू हो गया तो पथार ही रूप ले लिया था किसका, पहाड़ का रूप ले लिया था, किसका रूप लिया था, पहाड़ का। तो पठार से बन गया था पहाड़, क्या बन गया था, पठार। ये पठार का मतलब क्या होता है, ये एकदम प्लेन होता है, ये क्या होता है, सपाट चलेगा, देखो ऐसे ऐसे चलेगा, तो ये आपका पठार हो गया। लेकिन ये वाला क्या होगा, पहाड़ हो गया। अब मैदान का मतलब जानते हैं, प्लेन, जहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं, घर बना सकते हैं, खेल सकते हैं, कूद सकते हैं। तो वही बातें हैं कि देखो भूमि संसाधन में अगर देखिए, भूमि पर देखी जाए तो 30% पर्वत और 47% क्या है कि पठार मौजूद है। और उसके बाद देख सकते हैं आप मैदान जो है ना, मैदान जो है, मैदान यहाँ पर मैदान लिखना होगा, मैदान जो है वो 43% मौजूद है, जहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, कृषि कर सकते हैं, रह सकते हैं, वहाँ पर बस सकते हैं। पर्वतों और पहाड़ों पर कम लोग बसते हैं, क्योंकि जितना आप धरती से ऊपर जाएंगे ना वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है, तो मैदान पर ज़्यादा लोग बसते हैं, और यहीं पर क्या करते हैं, गहन कृषि यानी खेती का काम करते हैं, ठीक है ना बाबू। देखो अगर वीडियो आपको उतना फ्रेश नहीं दिखाई दे रही हो तो इसको 720 पर करके देखेंगे, मतलब थोड़ा सा क्वालिटी इसका बढ़ाकर आप देखेंगे, बहुत अच्छा सा आपको समझ में आएगी, ठीक है ना। तो समझ में आ गई, ये मैदान कितना परसेंट है धरती पर, तो 43%, जहाँ पर कृषि से लेकर अनेक कार्य की जाती है, ठीक है। अब देखो, अब भूमि संसाधन में सबसे पहले में पढ़ना है मृदा, मतलब धरती का निर्माण कैसे हुआ। तो ये धरती जो है ना, इसकी सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है, मृदा कहलाती है। अगर घर उड़ बनता है तो देखिएगा, उसको भरने के लिए मृदा काट काट के, मतलब मिट्टी काट काट के भरी जाती है। मृदा का दूसरा नाम मिट्टी होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो मृदा का निर्माण कैसे होता है यही हमें पढ़ना, लेकिन सबसे पहले हम मृदा के बारे में जानते हैं। देखो धरती की जो ऊपरी परत होती है, जो धरती की पतली ऊपरी लेयर है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मृदा कहते हैं, भूमि कहते हैं। अब देखो मृदा या भूमि क्या होता है, एक नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन होता है। नवीकरणीय संसाधन का मतलब जो एक बार खत्म हो जाए तो उसे हम लोग पुनः प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे आप देखिएगा धरती, जो मिट्टी होता है उसको बनने में लाखों हजारों वर्ष लग जाते हैं। जैसे मान लीजिए पेड़ पौधा का कण टूट कर गिर गया, या हम लोग कोई सामान खाते वो गिर गया, उसके बाद मान लीजिए चट्टान पहाड़ वहाड़ है उसका कण टूट टूट कर गिर गया, तो ये सब आपस में लाखों वर्ष लगने के बाद क्या करते हैं, मिट्टी का फिर से फिर निर्माण कर देते हैं, समझ में आ रही है ना। तो मिट्टी का निर्माण होता है, इस कारण से नवीकरणीय
नवीकरणीय संसाधन होते हैं। कौन सा नवीकरणीय संसाधन? उसके बाद क्या होता है कि मिट्टी पर हम लोग क्या करते हैं, अपनी अनेक तरह की क्रियाएं पूरा करते हैं। मिट्टी से भी बहुत सारी क्रिया पूरा करते हैं। कई लोग मिट्टी बेचते हैं, कई लोग मिट्टी खरीद कर क्या करते हैं, अपने घर को भरने का काम करते हैं, खालू चाहिए गहरा भरने का काम करते हैं। बाबू मिट्टी जो जमीन है वो हमारी अनेक आवश्यकताओं को पूर्ति करती है, इसी कारण से ये आर्थिक क्रियाओं को भी संपन्न करती है। अब देखो ये मिट्टी एक जीवन तंत्र है। क्यों? क्योंकि मिट्टी पर ही हम लोग अपना सब काम करते हैं, इस कारण समझिए कि एक जीवन देने का काम करता है। अगर धरती नहीं होती तो क्या हमें जीवन मिल पाता? कभी संभव नहीं था। इसी कारण से मिट्टी क्या आती है कि जीवंत तंत्र कही जाती है। क्या कही जाती है? जीवंत तंत्र कही जाती है। अब देखो मिट्टी की निर्माण जो है ना एक लंबी अवधि में जटिल प्रक्रिया है। जटिल का मतलब बहुत कठिन प्रक्रिया है, इतना आसान नहीं होता है। समझ में, मान लो जैसे नमक बनाना है तो नमक आप केमिकल से भी बना सकते हैं, सोडियम और क्लोरीन को मिले ही आपका नमक बन जाएगा। लेकिन अगर मिट्टी बनाना हो तो बाबू इतना आसान नहीं होता। मिट्टी बनने में लाखों हजारों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। अब ये मिट्टी कैसे बनता है, जैसे यहाँ पर समझिए। देखो चट्टान जब टूटे फूटते हैं और जैविक और अजैविक पदार्थ आपस में मिलकर, जैविक का मतलब क्या, लकड़ी उकड़ी हो गया और उसके बाद कुछ चमकील उमकील हो गया, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, मतलब दुनिया में जितने भी पदार्थ है ना ये सब आपस में मिल मिल के क्या करते हैं, बनाते हैं कहीं ना कहीं। समझिए एक तरह से, मान लीजिए धरती के अंदर, मान लीजिए कि यहाँ घर टूटा तो उसका सीमेंट गिट्टी बालू उसका मान लीजिए लकड़ी उकड़ी सब धरती के अंदर जट जाएगा, कपड़ा लगता सब धरती के अंदर क्या हो जाएगा, दब जाएगा। तो इस तरह से किसका निर्माण होता है, इस तरह से आपका निर्माण होता है मृदा का। किसका निर्माण होता है? मृदा का। तो चट्टानों के टूटने फूटने से और ये जैव और जैविक पदार्थ आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं, मृदा मतलब भूमि का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, तो मृदा का कैसे निर्माण होता है, अब देखो इसको मैं मोटा मोटी में अगर समझा दूं कि मृदा निर्माण में कौन कौन से कारक आते हैं वो समझिए। देखो मृदा निर्माण की अगर बात करते हैं तो कारक आने वाले हैं इसमें, सबसे पहले धाराकृत। धाराकृत का मतलब धरती पर कुछ ऐसे जैसे कागज गिर गया, चमकेल गिर गया, लकड़ी उकड़ी ये सब गिर गया, तो धाराकृत पदार्थ भी उसमें मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पर चट्टान के कण भी मिलते हैं, उसके बाद जल की मात्राएं भी इसमें होती है, उसके बाद पेड़ पौधे भी टूट टूट कर क्या करते हैं, गिरते हैं वनस्पति, उसके बाद जैविक पदार्थ और अजैविक पदार्थ भी मिलते हैं, धरती के खनिज जो कण होते हैं लोहे हुए का कण वो सब मिलता है और समय अनुसार क्या होता है, बन जाता है मृदा, धरती का निर्माण होता है। यानी अगर कही जाए तो दुनिया में जितने भी पदार्थ है जब धरती में गिरती है और वो गिरने के बाद क्या करती है, लाखों हजारों वर्ष के बाद आपस में मिलकर धरती का फिर से मिट्टी का निर्माण कर देती है। ठीक है ना, तो ये सब चीजें से मिट्टी का निर्माण होता है। अब आगे हमें समझना है, अभी मैंने आपको मृदा का निर्माण समझा दिया। अब देखो मृदा के प्रकार, मृदा छह प्रकार के होते हैं, मतलब भूमि कितने प्रकार के, छह प्रकार के। इसमें सबसे पहला भूमि आता है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा इसको उत्तर बिहार में दियारा भूमि के नाम से जानते हैं। जलोढ़ भूमि को किस नाम से जानी जाती है, जलोढ़ भूमि का मतलब समझ ना, जहां पर जल की मात्राएं ज्यादा पाई जाती है। ये अपने देश में जलोढ़ मिट्टी की ज्यादा मात्रा पाई जाती है और जलोढ़ मिट्टी में ही ज्यादा खेती होती है। ज्यादा खेती कहां होती है, जलोढ़ मिट्टी में ही होती है। ठीक है ना, तो मृदा छह प्रकार के हो जाता है, जिसमें पहला आता है जलोढ़ मृदा को बिहार में हम लोग अपने बिहार में बोलते हैं दियारा भूमि के नाम से इसको जानी जाती है। देखो ये इसमें गहन कृषि होती है, जलोढ़ कृषि जलोढ़ भूमि जो होती है उसमें क्या होती है, कृषि की ज्यादा मात्रा होती है। और देखो ये जो जलोढ़ मिट्टी होता है गंगा सिंधु और ब्रह्मपुत्र से होते हुए निकलती है। और खास कर देखिए राजस्थान, गुजरात में इसको संकरी पट्टी के भी नाम से जानी जाती है, और खास कर देखिए राजस्थान गुजरात यानी गुजरात और राजस्थान में इसका दूसरा भी नाम है जलोढ़ मिट्टी का, इसको संकरी मिट्टी भी कही जाती है। कहाँ? राजस्थान से लेकर। अब देखो ये जो भारत की भूमि पर 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि में फैली है, यानी भारत की अगर भूमि पर देखी जाए जलोढ़ मिट्टी का कितना विस्तार है, तो 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर ये जलोढ़ मिट्टी फैली हुई है। उसके बाद इसका रंग अगर देखते हैं तो रंग क्या होता है, धुंधला होता है और भूरे रंग का होता है। इसका जलोढ़ मिट्टी का रंग कैसा होता है, धुंधले टाइप का दिखाई देगा और इसका रंग भूरा होता है। अब देखो आय के अनुसार जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार के हो जाते हैं, एक पुराना जलोढ़ मिट्टी या दूसरा नया जलोढ़ मिट्टी। देखो पुराना जलोढ़ मिट्टी क्या होता है, ये कम उपजाऊ होते हैं, तो पुराने जलोढ़ मिट्टी को हम लोग बांगर कहते हैं और नए जलोढ़ मिट्टी को हम लोग खादर कहते हैं। क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। अब सोचिए पुराना आप टेक्निक यूज करिएगा कोई भी चीज बनाने में, तो क्या आप ज्यादा मात्रा में चीज बना पाएंगे? जैसे मान लीजिए पहले था कि 10 किलो अगर गहूं बोएंगे ना तो 1-2 पैकेट गहूं होती थी, लेकिन जैसे जैसे टेक्निक आगे बढ़ी अब 1 किलो बोएंगे तो 10 पैकेट गहूं हो जाती है। समझ में आ गया बाबू? तो यहां पर समझने वाली बात है कि आय के आधार पर जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं, पहला बांगर और दूसरा खादर। बांगर का मतलब पुराने जलोढ़ मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं, और खादर का मतलब होगा नए जलोढ़ मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। अगर आय के आधार पर अगर देख सकते हैं तो दो प्रकार का हो जाता है। कितने प्रकार के जलोढ़ मिट्टी, दो प्रकार के हो जाता है। ठीक है,
अब देखो ये बांगर का मतलब पुराना जलोढ़ मिट्टी, ये कम उपजाऊ होता है, लेकिन जो नया जलोढ़ मिट्टी होता है इसको खादर कहते हैं, ये क्या होता है अधिक उपजाऊ होती है। इतनी समझ में आ गई आपको। अब देखिए ये जो जलोढ़ मिट्टी होता है ना, इसमें क्या क्या पाया जाता है, कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो इसमें पाए जाते हैं पोटास, फॉस्फोरस, चूना पाया जाता है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन की मात्राएं उतनी नहीं पाई जाती है। इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, पोटास, फॉस्फोरस, चूना, ये सब पाए जाते हैं। अब जलोढ़ मिट्टी में कौन कौन सी खेती होती है, जलोढ़ मिट्टी में आप देख सकते हैं गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का, दाल, हम लोग जो उत्पन्न करते हैं ना ये जलोढ़ मिट्टी है। अभी मान लीजिए अभी गेहूं की कटनी खत्म हुई है या चावल की कटनी खत्म हुई है, तो वो कौन सी मिट्टी में है भैया, जलोढ़ मिट्टी में है, ठीक है ना। तो जलोढ़ मिट्टी में ये सब क्या होती है, खेती होती है। तो जलोढ़ मिट्टी में ज्यादातर कृषि होती है। ये 6.4 हेक्टेयर में क्या हो, 6.4 करोड़ हेक्टेयर में भारत की भूमि पर ये फैली हुई है। इसका रंग धुंधला होता है, इसका रंग हल्का हल्का लाल भी हल्का भूरा आप कह सकते हैं। ये दो प्रकार के हो जाते हैं, एक खादर और दूसरा बांगर। तो खादर ज्यादा मात्रा में क्या होते हैं, उपजाऊ होते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको समझा दिया पहला जलोढ़ मिट्टी, ठीक है ना। अब दूसरा जो है ना वो दूसरा है काली मृदा। आपसे की बार बार एग्जाम में क्वेश्चन करता है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, आप हर बार जवाब दिए होंगे रेगुर। क्या देते हैं, रेगुर। तो काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, रेगुर है। क्या नाम है, रेगुर। अब जैसा इसके बारे में विस्तार से पढ़ते चलिए। देखो वो काली मृदा का रंग कैसा काला होता है, काली मृदा मतलब काला भूमि है, करिया भूमि है। देखो इसको आप सोचिए करिया भूमि का चिपक जाता है, अगर साइकिल से चिपक जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। देखो इसका रंग कैसा होता है, काला होता है। इसमें ज्यादा कपास की खेती होती है, इसी कारण से काली मृदा का एक दूसरा भी नाम होता है काली कपास मृदा। काली मृदा का दूसरा नाम कपास की खेती ज्यादा होती है इसमें, इसी कारण से इसको काली कपास मृदा कही जाती है। क्या, काली कपास मृदा कही जाती है। ये जो काली मृदा है भारत के 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैली हुई है। फैली तो ज्यादा है लेकिन यहाँ पर ज्यादा खेती नहीं हो पाती है। देखो ये जो काली मृदा होती है किस किस राज्य में पाई जाती है, महाराष्ट्र में, गुजरात में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, क्या करी जाती है, पाई जाती है। काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर होता है। क्या होता है, रेगुर, यानी काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, रेगुर है। याद रखिए क्या है, रेगुर। ये कई बार क्वेश्चन किया है। देखो ये क्या करता है, नमी धारण करने की इसमें क्षमता ज्यादा होती है। अगर बारिश हो जाएगा तो क्या करेगा काली मृदा, वो अपने आप को क्या करेगा, अपने में नमी यानी जल की मात्रा ज्यादा खींच लेता है, ज्यादा मात्रा क्या करता है, खींच लेता है, जिसके कारण से इसका जोताई बुआई उतना आसान नहीं होता है। अगर बारिश का मौसम हो तो ज्यादा पानी पड़ जाने से क्या होता है, बहुत गील हो जाता है, जोताई संभव वहां पर नहीं होता है। और गर्मी के मौसम में क्या होता है, इसके सतह यानी इसके मृदा में दरारें पड़ जाती है, यानी अगर एक तरह से देखी जाए तो यहाँ पर खेती करना दोनों मौसम में क्या है, मुमकिन नहीं है, गर्मी के दिनों में और बरसात के दिनों में भी। क्यों, क्योंकि देखो गर्मी के दिनों में क्या होता है कि बारिश नहीं होती है तो दरार पड़ जाएगी जमीन में, संभव नहीं है, वो बंजर हो जाएगा। और दूसरी बात है जब बारिश होगी तो ज्यादा नमी ये धारण कर लेता है, जिसके कारण से क्या होता है, यहाँ पर जोतना बोना संभव नहीं होता, नहीं खेती संभव नहीं होता है, ठीक है ना। क्या होती है गर्मी के दिन में इसमें दरारें पड़ जाती है और ठंडी बारिश में क्या होती है, चिपचिपी हो जाती है, जिसके कारण से कृषि करना संभव नहीं है। देखो काली मृदा में क्या क्या पाए जाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, कैल्शियम कार्बोनेट जिसको CaCO3 कहते हैं, यानी अगर काली मृदा में देखी जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना, ये सब चार मात्राएं पाई जाती है, चार तत्व पाए जाते हैं। काली मृदा में भी खेती होती है, वो देखिए कौन कौन सी, तो गन्ना, प्याज, गेहूं, फल, ये सब चीजों की क्या होती है, खेती होती है, ठीक है ना। काली मृदा में ये सब क्या होती है, खेती होती है, ठीक है, इतनी समझ में आ गई। अब जो तीसरा मृदा है उसका नाम है लाल एवं पीला मृदा। लाल एवं पीला मृदा, अब हम लोग बिहार में जो है ना, बिहार में छठ पूजा करने के लिए पियरी माटी लाने जाते हैं, पियरी माटी उसी का क्या बनता है, उसी का चूल्हा बनता है बाबू। तो पियरी माटी यानी आप लाल और पियरी माटी जरूर देखेंगे। देखो लाल और पियरी दोनों माटी एक ही होता है, मतलब जो अभी मृदा आपको मिलती है वो लाल होती है, जब उसमें जल पड़ जाती है तो पीले रंग का हो जाती है। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, देखो प्रायद्वीपीय पठार वाला जो भाग होता है ना, वहीं पर अगर देखेंगे तो 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में ये लाल एवं पीला मिट्टी ज्यादा मात्रा पाई जाती है। कहां, जिस क्षेत्र में 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहां पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो लाल एवं पीली मिट्टी पाई जाती है। अब देखो इसका रंग क्या होता है, जो शुरू में मिट्टी मिलता है उसका रंग लाल होता है, लेकिन जैसे ही बारिश की मात्राएं पड़ जाती है तो किस रंग का हो जाता है, पीले रंग का हो जाता है। ये सबसे ज्यादा अपने देश में फैला हुआ है, 7.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैला हुआ है। क्या है, 7.2 करोड़। अभी तक मैंने आपको बता दिया कि जलोढ़ मिट्टी चाहे ये आपका काली मृदा 6.4 करोड़ हेक्टेयर में फैला हुआ है, लेकिन 7.2 करोड़ हेक्टेयर में फैला हुआ है, कौन, लाल एवं पीली मिट्टी। अभी देखो ये कहां कहां पाई जाती है, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र में ये सब पाई
पाई जाती है। महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, मेघालय पठार, छोटा नागपुर पठार, ज्यादातर पठारी इलाका में ही पाई जाती है, ठीक है ना। उसके बाद देखो इसमें जैव पदार्थ की कमी होती है जिसके कारण से कम उपजाऊ होती है। पीली या लाल जो मिट्टी होती है यहाँ पर खेती करना संभव नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है जैव पदार्थ जैविक पदार्थों की मात्रा कम होती है। उसके बाद इसमें भी कुछ ना कुछ खेती करी जाती है, इसमें सिंचाई उचाई करके बाबू, तो इसमें चावल, बाजरा, मक्का, मूंगफली, तंबाकू, फल, ये सब चीजों के उत्पादन करी जाती है, ठीक है ना। ये आपको लाल पीला मिट्टी समझ में आ गई होगी। अब चौथा है लैटेराइट मृदा। क्या है लैटेराइट मृदा? अभी लैटेराइट मृदा क्या होता समझिए। देखो लैटेराइट मृदा के मृदा की उत्पत्ति लैटर शब्द से हुई है। कौन सा? ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है ईंट। अब देखिए ईंट का रंग कैसा होता है? लाल होता है, लाल ही टाइप का होता है, ठीक है ना। तो लेटराइट शब्द की उत्पत्ति क्या है? ग्रीक भाषा से हुई है जिसका नाम है लेटर। लेटर का अर्थ होता है ईंट। अब देखो अधिक वर्षा वाले और अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में इस मृदा का ज्यादा विस्तार होता है, यानी ज्यादा विकास कहाँ पर है? अधिक जहाँ वर्षा होती है, जहाँ अधिक टेम्परेचर होती है, वहीं पर इस मृदा का ज्यादा विस्तार है। और ये धरती पर बहुत कम क्षेत्रों में फैली है अपने हिंदुस्तान में, 1.3 करोड़ हेक्टेयर से भी ज्यादा भूमि पर ये फैले हुई है। और ये देखो ये लैटेराइट जो भूमि होता है ये लोहे के कारण कठोर हो जाती है। क्या होती है? कठोर हो जाती है। एल्युमिनियम एवं लौह के ऑक्साइड के कारण इसका रंग कैसा होता है? लाल हो जाता है। यानी अगर देखी जाए लैटेराइट मृदा तो यहाँ पर एल्युमिनियम हो गया, चाहे लोहे का जो ऑक्साइड हो गया, उसके कारण से लैटेराइट मृदा का रंग कैसा होता है? लाल हो जाता है, ठीक है ना। और देखो ये कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम के पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है। ज्यादातर ये सब जो भूमि होती है लैटेराइट भूमि, ये कहाँ पाई जाती है? पहाड़ी इलाकों में ही पाई जाती है। और यहां भी कुछ ना कुछ कृषि होती है, चाय का, कॉफी का, काजू का। कॉफी को हम लोग हिंदी में कहवा कहते हैं। यानी ये 3-4 फसल ऐसे होते हैं जो लैटेराइट भूमि में करी जाती है। देखो हर भूमि को इंसान चाहता है कि अपने उपयोग में लाए, समझ में लेना। तो वो कहीं ना कहीं अपना नई तकनीक प्रयोग करके हर भूमि में कुछ ना कुछ वो चीजें उत्पादन कर रहा है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि भूमि संसाधन क्या होती है और उसमें भूमि मतलब मृदा का कैसे निर्माण हुआ। मृदा के 4 प्रकार मैंने अभी पढ़ा दिया, ये 6 प्रकार के होते हैं। और मैं आपको प्रकार पढ़ा रहा हूं इसके बाद बताऊंगा, और उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा भूक्षरण क्या होती है, चाहे भूमि का हमें कैसे उपयोग करनी चाहिए, भूक्षरण को कैसे रोक सकते हैं। तो चलिए जरा सा उसको हम लोग देखते हैं। अब मृदा का 5वीं प्रकार हम लोग देखते हैं। अभी तक 4 प्रकार हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। ये 5वीं प्रकार है, 4था प्रकार हम लोग लैटेराइट मृदा भी पढ़ते हैं। ये 5वीं प्रकार आपका मरुस्थलीय मृदा और 6ठा है पर्वतीय मृदा। यानी मृदा जो होते हैं टोटल 6 प्रकार की होती है। अभी 4 पढ़ चुके हैं, 2 और हम लोग मृदा का प्रकार पढ़ते हैं। देखो 5वीं मृदा होता है मरुस्थलीय मृदा। ये स्थलीय मृदा का मतलब क्या होता है? जहां पर बालू, जहां पर ऐसे रेत ही रेत पाई जाती है। जैसे अपने हिंदुस्तान में सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? थार मरुस्थल है। और पूरा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? तो वो है सहारा मरुस्थल, ठीक है ना। देखो मरुस्थलीय मृदा क्या होता है? इसमें यहाँ पर कम वर्षाएं होती है, यहाँ पर जो मौसम होता है शुष्क होता है, और साथ में यहाँ पर जो मृदा होती है, जो धरती होती है, वो बालू टाइप की होती है, ठीक है ना। रेत ही रेत इसको कह सकते हैं। इसका रंग लाल या हल्का भूरे रंग का होता है। और देखो ये ज्यादातर कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में, चाहे कच्छ में या हरियाणा या पंजाब वाले क्षेत्रों में ज्यादा पाए जाते हैं, लेकिन ज्यादातर राजस्थान में इसकी मात्राएं पाई जाती है। और देखो यहाँ पर वनस्पति मतलब पेड़ पौधों की कमी होती है। मरुस्थलीय मृदा में ज्यादा पेड़ पौधे आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और या इसका भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मरुस्थलीय जो मृदा होता है इसको भी हम लोग सिंचाई करके कृषि के लायक बना सकते हैं। सिंचाई करके कपास, चावल, गेहूं यहाँ पर उगाई जाती है और आप उगा भी सकते हैं, ठीक है ना। और देखो अपने भारत में सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? थार मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? सहारा मरुस्थल। तो ये आपका मरुस्थलीय मृदा जो रेत ही रेत होती है, और अपने भारत में सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल के नाम से जानी जाती है, ठीक है। अब देखो 6ठा मृदा कौन है? पर्वतीय मृदा। ये पर्वतीय मृदा क्या होता है? देखो पर्वतीय मृदा का मतलब क्या होता है? जहां पर्वत वाली इलाका होती है। देखो पर्वतीय इलाका में कृषि कैसे होती है पता है? पर्वतीय इलाके में समुच्चय कृषि के माध्यम से, समुच्चय प्रक्रिया के माध्यम से कृषि होती है। तो समुच्चय कृषि कैसे होता है? जैसे मान लीजिए पहाड़ी, ये आपका पहाड़ वाला क्षेत्र है, अब यहाँ कृषि करना, तो लोग क्या करता है? सीढ़ी सीढ़ी टाइप का बनाता है, सीढ़ी सीढ़ी टाइप का बनाकर क्या करता है? आप कृषि करता है। इसी को हम लोग समुच्चय कृषि के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर पर्वतीय मृदा में क्या होता है? पर्वतीय एवं पहाड़ी क्षेत्रों में ये मृदा पाई जाती, मतलब जो मिट्टी होती है पाई जाती है। यानी पर्वतीय जो मिट्टी होती है वो कहाँ पाई जाती है? पहाड़ी इलाकों में ही पाई जाती होगी, ठीक है ना। यहाँ देखो पर्याप्त जल एवं वन पाए जाते हैं। यानी सीमित मात्रा में आपको क्या होता है? पर्याप्त मतलब एकदम अधिक से अधिक मात्रा में वन आपको मिलेंगे, पेड़ पौधे मिलेंगे, और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्या होती है? जल मिलती है। इसी को हम लोग जल डेल्टा बोलते हैं कि जल डेल्टा का विकास किन इलाकों में होता है? तो पर्वतीय मिट्टी वाले इलाकों में जल डेल्टा, चाहे नदी डेल्टा का विकास हुआ था, ठीक है। और ज्यादा मात्रा में यहाँ पर वन पेड़ पौधे जल उल पाए जाते हैं। और देखो यहाँ पर सोपानी कृषि भी प्रसिद्ध है।
सोपानी कृषि का मतलब क्या होता है? सिंचाई कर करके कृषि पैदा करना। पूछेगा सोपानी कृषि किसे कहते हैं, ये पूछने वाला नहीं लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। सिंचाई करके कृषि पैदा करने वाला भूमि, तो लिख सकते हैं पर्वतीय इलाकों में सिंचाई करके हम लोग क्या करते हैं, कृषि पैदा करते हैं, जिसे हम लोग सोपानी कृषि कहते हैं। यहाँ पर पर्वतीय इलाकों में चावल आलू उलू ये क्या करी जाती है, उगाई जाती है। तो इस तरह से 6 मृदा का प्रकार हो गया। अभी 4 हम लोग पढ़े थे, ये पांचवा मरुस्थलीय और छठा था पर्वतीय मृदा। तो मृदा का 6 प्रकार खत्म हो गया। अब हमें जानना है जो भूमि हम लोग उपयोग कर रहे हैं उसका स्वरूप जो बदल रहा है, वो हमें जानना है कि वर्तमान समय में भूमि का बदलता हुआ स्वरूप कौन कौन सा है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। देखो भूमि का बदलता हुआ स्वरूप, सबसे पहला वन विस्तार कम। पहले जब हम लोग की जनसंख्या कम थी तो देखिए पूरे जंगल ही जंगल, मतलब वनों की संख्या ज्यादा थी। लेकिन जैसे ही जनसंख्या में परिवर्तन हो रही है, वन की कटाई होते जा रही है, यानी वन का अंधाधुंध क्या हो रही है, कटाई होते जा रही है, जिससे तरह तरह की वातावरणीय समस्या, प्रदूषण से लेकर हवा लेने से लेकर अनेक समस्या उत्पन्न हो रही है। ठीक है ना बाबू। तो ये भूमि का उपयोग क्या हो रहा है, बदलता जा रहा है। वर्तमान समय में पेड़ पौधों की कमी होते जा रही है। दूसरी बात है गैर कृषि में संलग्न भूमि। अब क्या है ना कि अब गैर कृषि में सारे भूमि का प्रयोग करी जा रही है। गैर कृषि में संलग्न भूमि का मतलब क्या हो गया, जहां पर कृषि नहीं की जा रही है, जहां पर इमारत हो गया, प्रशासनिक स्थान बनाया जा रहा है, पार्क बनाया जा रहा है खेलने कूदने के लिए, मतलब अब सारे भूमियों का कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम में उपयोग करी जा रही है। इसका मतलब है कि यह भी क्या, एक भूमि का रूप बदल रहा है कि पार्क बनाई जा रही है, मतलब वहाँ पर प्रशासनिक स्थान या पुलिस थाना है, या नई नई घर या महल बनाई जा रही है। तो पहले वाले भूमि का क्या उपयोग बदल रही है। ठीक है ना। अब तीसरी बात है बाग बगीचों का भी, आज जो वो भी वर्तमान भूमि है उसमें क्या कर जाती है, बाग बगीचों का भी निर्माण कर दिया, जहाँ पर लोग घूमने आए, खेलने आए, कूदने आए, जो देखने में आकर्षक हो, तो आज की भूमि का बाग बगीचों में भी उपयोग कर जाती है। और दूसरी है वर्तमान प्रतिभूमि। प्रतिभूमि का मतलब क्या होता है, जहाँ पर हम लोग खेती गृहस्थी नहीं करते वो कौन सी होती है, प्रतिभूमि होती है, जहाँ पर साल भर से, 2 साल से 3 साल से भूमि कृषि नहीं की जा रही, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिभूमि कहते हैं। तो ये वर्तमान जो प्रतिभूमि है इसका भी कहीं ना कहीं मनुष्य सब क्या कर रहा है, किसी न किसी माध्यम उपयोग कर रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ पर प्रतिभूमि है तो आदमी क्या करता है, कोई बिजनेस खोल देता है, अपना काम करना शुरू कर देता है, तो हर चीज का स्वरूप बदल रहा है। उसके बाद चारागाह की कमी। देखो अपना जो देश भारत है ना, वो पशुधन देश है, मतलब पूरे विश्व में पशु के मामले में सबसे अधिक पशु कहां, तो अपने भारत में पाया जाता है। भारत में कहा तो बिहार में, बिहार में कहा तो सोनपुर में, यानी सबसे बड़ा देखिए जब पशु मेला कहां लगता है, तो सबसे बड़ा सोनपुर में लगता है, बिहार के पटना के सोनपुर में लगता है। समझ में आ रही बाबू। तो कहने का बस इतना मतलब है कि यहां पर क्या होता है कि चारागाह की कमी आ रही। सोचिए चारागाह, आदमी घर बनाते जा रहा, पार्क बनाते जा रहा, बगीचा बनाते जा रहा, कुछ भूमि बंजर हो जा रही है, कुछ भूमि पड़ती हो जा रही है, जिसके कारण से चारण की कमी हो जाए। चारण का मतलब पशु जहां चढ़ती है, ठीक है ना, पशु जहां चढ़ती है उसकी कमी हो जा रही है। और इसका डायरेक्ट प्रभाव किस पर, पशुओं पर पड़ रही है, और पशुओं को पड़ने के कारण से हमें क्या और ये क्षति पहुंच रही है। भूमि का कमी हो रहा है, भूमि का उपयोग अलग अलग तरीकों से होते जा रहा है। लेकिन याद देखिए पशु चारण से भी इस वातावरण पर ज्यादा प्रभाव पड़ रही है। क्यों, सोचिए पशु चारण का मतलब क्या हो गया कि पशु क्या करेंगे, सारे हरी हरी घासों को खा जाएंगे, यानी पेड़ पौधे, एक तरह समझो कि जो छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं वो भी क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को खींचते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अगर सोचिए धरती की सारी हरियाली गायब हो जाएगी तो भूमि कैसा हो जाएगा, बंजर हो जाएगा। तो यहाँ पर चारागाह की कमी है, जिसका प्रभाव किस पर पड़ता है, पेड़ पौधों पर पड़ रही है, और साथ पर भूमि पर भी पड़ रहा है, जंतुओं पर पड़ रही है। चारागाह का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, जंतुओं पर पड़ रहा है, साथ पेड़ पौधों पर पड़ रहा है, और धरतियों पर पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि धरती बंजर हो जा रही है, आप जो जानवर होते हैं भैया उनको भोजन नहीं मिल रही है, क्योंकि चरगा है नहीं तो भोजन कहां से मिलेगा, डायरेक्ट उसके शरीर पर सब प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना। तो आजकल ये भूमि उपयोग का क्या हो रहा है, पूरी तरह से रूप बदलते जा रहा है। लोग एकदम सिंहासी जैसा, मतलब बड़े बड़े महल बनाने में भूमि का उपयोग कर दे रहे हैं। अब देखो भूमि उपयोग के दो कारक अपने भारत में देखेंगे तो भूमि उपयोग के दो कारक है। ठीक है ना। ये विश्व लेवल से पूरे विश्व में ऐसे ही करी जाती है, भूमि का उपयोग कृषि में न करके बड़ी बड़ी इमारत बनाने में, बड़ी बड़ी नई चीजें बनाने में, प्रशासनिक संस्थान बनाने में, पार्क बगीचा बनाने में, ये सब में करी जाती है। अब भारत में भूमि उपयोग के दो कारक होते हैं, भौतिक और दूसरा मानवीय कारक। देखो भौतिक कारक में क्या आता है, भू आकृति और जलवायु और मृदा, ये सब आते हैं। भू आकृति का मतलब क्या हो गया, घर उड़ बनाना। जलवायु का मतलब जहां जल की मात्राएं हो। मृदा का मतलब जहां धरती हो, जहां हम लोग कृषि करते हैं। लेकिन मानवीय कारक में क्या आता है, जनसंख्या घनत्व, संस्कृति, परंपरा, प्रौद्योगिकी क्षमता आदि, ये सब होती है। देखो जनसंख्या घनत्व का मतलब मनुष्यों की जो जनसंख्या है उसका घनत्व, आप संस्कृति का मतलब क्या होता है, कल्चर एक तरह से, ठीक है, उसको परंपरा का मतलब पुराने रीति रिवाजों को मानना। तो मानवीय कारक में चले जाते हैं कि हमारे देश में क्या है, लोग संस्कृति वाले,
मतलब कहने का मतलब क्या कि पुरानी परंपरा को अपनाए बैठे हैं, अभी भी कोई कोई शादी ब्याह में कुछ ऐसे तौर तरीके होते हैं जो अन्य देश में नहीं हो पाते हैं। मतलब कहने का मतलब हम लोग का देश एक संस्कारों का देश है और यहाँ पर बचपन से ही बच्चे को संस्कार सिखाई जाती है, ठीक है ना बुआ। तो मानवीय कारक और भौतिक कारक भूमि के दो है। अब यहाँ पर जैसा हम लोग समझते हैं कि भारत में कैसे भूमि का उपयोग होता है ये समझिए। देखो भारत में 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर जो है ना भूमि है, जिसका मात्र 93% ही हम लोग उपयोग करते हैं। अब ये 7% भूमि कहाँ चली जाती है, 7% भूमि हम लोग हार चुके हैं 1948 और 1962 के युद्ध में, यानी पाकिस्तान यानी पीओ के जिसको हम बोलते हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पाक अधिकृत कश्मीर जिसको बोलते हैं, पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर का 30% भाग हड़प लिया है। और जब 1962 में चीन से युद्ध हुआ था तो चीन ने भी 10% भूमि को हड़प लिया, उसका नाम ऑक्साई चीन दे दिया। यानी 7% भूमि दूसरा देश क्या किया, कब्जा करके बैठा हुआ है। दूसरा देश क्या किया, कब्जा करके बैठा हुआ है। तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भूमि है जिसमें से हम लोग 93% उसका उपयोग करते हैं। और यहाँ पर पशुधन ज्यादा है लेकिन चरागाह की कमी है, जिसके कारण से पशुओं पर ज्यादा प्रभाव पड़ती है। और देखी जाए अपने देश में मात्र 54% ही जो भूमि होती है वो कृषि के योग्य है। यानी 93% भूमि का प्रयोग करते हैं लेकिन 93% में से 54% कृषि करते हैं, उसके बाद घर उर बनाने के सब काम होता है। देखो पंजाब और हरियाणा में 80% कृषि होती है, 20% लोग अपना घर उर बना उना कर ये सब रहते हैं। तो पंजाब हरियाणा में 80% क्या होती है भूमि का कृषि में प्रयोग करी जाती है। वही अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार समूह, वहां पर मात्र 10% कृषि होती है। कितना, 10% कृषि होती है, 90% जनसंख्या एक तरह से लेकर चलिए, ठीक है ना। और देखो पृथ्वी का संतुलन बनाए रखने के लिए कम से कम 33% जंगल चाहिए, वन चाहिए, पेड़ पौधे चाहिए, लेकिन हम लोग के भारत में जानते हैं मात्र 20% ही भूभाग पर वन है। अब सोचिए यहाँ पर मतलब यहाँ पर क्या ना कि अनेक तरह के प्रदूषण से लेकर समस्याएं बन रही है। यानी पृथ्वी का अगर संतुलन बनाना है, अपने देश का संतुलन बनाना है, तो कम से कम 33% आपको वन चाहिए इस धरती पर, लेकिन कितना 20% वन है। इसका मतलब है कि यहाँ पर तरह तरह की समस्याएं यानी प्राकृतिक समस्याएं यहाँ पर उत्पन्न होती रहेंगी। क्यों, क्योंकि संतुलन बन नहीं पाएगा। तो ये आपका भूमि का हम लोग उपयोग कर रहे हैं अभी वर्तमान में दो कारक से, ठीक है ना। अब जरा समझते हैं भूक्षरण क्या होती है। भूक्षरण क्या होती है, देखो बाबू भूक्षरण क्या होती है, तो भूमि को एक स्थान से हटा फेंक देना। जैसे मान लीजिए हवा जब उड़ती है तो धूल को उड़ा कर लेकर चली जाती है, जल आती है तो अपने संग मिट्टी को उड़ा कर लेकर चली जाती है, जब सामुदायिक लहर आती है जैसे मान लीजिए नदी उदी आ गई या कोई समुद्र लहर आ गई, चाहे भूकंप आ गया, तो वहां से मिट्टी का कटाव के अंदर चली जाती है बाबू। तो कहने का बस इतना मतलब है, भूक्षरण का मतलब होता है कि भूमि का अपने स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाना, मृदा को अपने स्थान से हट जाना ही क्या कहलाती है, भूक्षरण कहलाती है। और ये किसके किसके माध्यम से हट सकती है, जल के माध्यम से, हवा के माध्यम से, सामुद्रिक लहरों के माध्यम से हट सकती है। अब देखो यहाँ पर भूमि निम्नीकरण भी हमें पढ़ना है। ये भूमि निम्नीकरण बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। भूक्षरण का मतलब होता है जब मिट्टी जो है ना अपने स्थान से हट जाए, ये होती है भूक्षरण, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमें जानना भूमि निम्नीकरण क्या होती है। देखिए कई ऐसे राज्य है जहां पर क्या खदानों की मतलब धरती से खदान निकाल मतलब कोयला वोयला निकाल जाते, खदान जिसको हम बोलते हैं, कोयला वोयला निकाल जाते, तेल उल निकाली जाती है। अब सोचिए जहां से कोयला निकाली जा रही है वो तो धरती खोखला हो जा रही है ना, यानी वो मलबा के रूप में बदल जा रहा है, और आने वाला समय में वो क्या हो जाएगा, धरती विनाश हो जाएगी मतलब खत्म हो जाएगी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं भूमि निम्नीकरण। यानी भूमि के अंदर से सारी मात्रा निकाल लेना ही भूमि निम्नीकरण कहलाती है। जैसे राजस्थान हो गया, उड़ीसा हो गया, यहाँ पर कोयला निकाली जाती है, जिसके कारण से भूमि के खाई के रूप में मलबा के रूप में बदल रही है, और आने वाले समय में ये जो दुनिया है ना पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। बस बाबू मैं आपको इतना बताना चाहूंगा, भूमि निम्नीकरण का मतलब होता है कि खाइयों और मलबा के रूप में धरती को बदल देना, ठीक है ना। जैसे झारखंड में हो गया, उड़ीसा में हो गया। अब देखो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में जानते हैं भूमि निम्नीकरण किसके कारण से होती है, अतिचरण के कारण से। अतिचरण का मतलब पशुओं को अधिक चराया जाता है, जिसके कारण से भूमि पर से हरियाली गायब हो रही है और वो भूमि बंजर होते जा रही है। तो वहां पर भी आ रही है क्या आ रही है, तो वहां भी भूमि निम्नीकरण हो रहा है, भूमि कम उपजाऊ हो रही है, किसके कारण से, अतिचरण मतलब पशुओं को अधिक चराने से धरती बंजर होते जा रही है। इस पंजाब ये सब हरियाणा में, ठीक है ना, पंजाब में नहीं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में। लेकिन पंजाब, हरियाणा और यूपी की बात करते हैं तो वहां पर अधिक सिंचाई की वजह से भूमि बर्बाद हो जा रही है। सोचिए किसी भी चीज को अधिक आप सिंचाई कर दीजिएगा तो बर्बाद नहीं होगा, एकदम डीटो है कि बर्बाद हो जाएगा। अगर ज्यादा वहां पर सिंचाई हो रही है, ज्यादा जल का पटाव वहां पर हो रही है, तो भूमि अपने आप क्यों बर्बाद हो जाती है। तो पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, यहां पर अधिक सिंचाई होती है। पूछता भी है कि पंजाब में कौन सी सिंचाई होती है,
अधिक सिंचाई होती है। देखो अब मनुष्य क्या ना अपने स्वार्थ के लिए भूमि निम्नीकरण का काम करता है। जैसे मान लीजिए मनुष्य अपने मान लीजिए मनुष्य कपड़ा पहन रहा है तो ये अपने स्वार्थ के लिए क्या कर रहा है, धरती से ही तो कपड़ा बना रहा है। एक तरह से टोटल चीजें कहां बनती है, धरती पर ही बनती है। तो मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए धरती को खोखला करते जा रहा है। कोयला ये सारी चीजें मनुष्य अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धरती को खोखला यानी खाई और मलबा के रूप में बदल रहा है, जिसके कारण से भूमि निम्नीकरण की समस्याएं बढ़ते जा रही है। अब हमें पढ़ना संक्षारण, आखिर ये जो भूक्षरण है इसको कैसे रोक सकते हैं यानी मिट्टी हटने की प्रक्रिया को हम लोग कैसे रोक सकते हैं। सबसे पहली बात है कि देखो यहाँ पर समझो गेहूं कपास मक्का आलू की खेती करने से भूमि निम्नीकरण यानी भूमि में जो ह्रास होता है, भूमि में मतलब एक तरह से समझिए कि उर्वरता की कमी आती है यानी ज्यादा वो फसल उत्पन्न नहीं कर सकता है। देखो बाबू यहाँ पर समझने वाली बात है, संक्षारण को रोकने के लिए आप तिलहन दलहन ज्यादा खेती कर सकते हैं। तिलहन या दलहन की ज्यादा खेती करेंगे तो ये उर्वरक की क्षमता ज्यादा बढ़ा देती है यानी पैदा करने की क्षमता ज्यादा बढ़ा देती है। तो अगर मान लीजिए एक दो बार गेहूं मक्का चावल का उत्पादन कर रहे हैं तो कम से कम उसमें एक बार कोशिश करिए कि तिलहन दलहन का भी फसल बोई जाए। उसके बाद देखो यहाँ पर पहाड़ी इलाकों में समुच्च जुताई होती है, समुच्च जुताई के माध्यम से हम लोग मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। पहाड़ी इलाकों में क्या होता है कि पहाड़ रहते हैं, मिट्टी सब दह दह के क्या होते हैं नीचे गिर जाती है और पहाड़ धीरे धीरे खत्म होते जा रही है। तो समुच्च जुताई का मतलब क्या होता है कि वहां पर ढलान टाइप का बनाकर क्या करी जाती है, कृषि का काम करी जाती है। बोल सकते हैं पहाड़ी इलाकों में पहाड़ों पर ढलान या सीढ़ी टाइप का बनाकर वहां पर कृषि की जाती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं समुच्चय जुताई कहते हैं। ठीक है ना, ये समुच्चय जुताई होता है। तो पहाड़ी इलाकों में हम लोग क्या कर सकते हैं, समुच्चय जुताई के माध्यम से मृदा अपरदन को चाहे भूमि निम्नीकरण को रोक सकते हैं। अब देखो वर्षा जल संचयन की हमें व्यवस्था करनी होगी। जो वर्षा जल होती है कभी कल अधिक वर्षा होने से भूमि बर्बाद होती है, फसल बर्बाद हो जाती है। ठीक है ना, तो वर्षा जल को इकट्ठा करने की व्यवस्था होनी चाहिए। फिर उसके बाद एंडीन नामक जो रसायन का प्रयोग करी जाते हैं इस पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। अब आप सोचेंगे एंडीन नामक रसायन क्या है, देखो एंडीन नामक रसायन जो है मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन है। अब भैया आप बोलेंगे ये मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन, अब मेढक को जीवित रहने से आपको क्या फायदा, देखो मेढक को क्या कर जाती है ये एंडीन नामक जो रसायन है एंड्रीन, ये मेढक के प्रजनन को पूरी तरह से धरती से क्या करता है नष्ट कर देता है। अब सोचिए अगर मेढक नहीं रहेगा तो आपको बहुत हानियां होंगी। मेढक क्या करता है कि छोटे मोटे कीड़े मकोड़े को पकड़ कर खा जाता है। अब धरती पर अगर मेढक नहीं रहेगी तो समझिए हमारे हर फसलों में कीड़े मकोड़ों की संख्या ज्यादा बढ़ जाएगी। अब बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगी, हम से बीमारी से ज्यादा ग्रसित हो जाएंगे, फिर हमें मरना पड़ जाएगा। देखो प्रकृति बनाया तो कुछ सोचकर बनाया, वो ऐसे नहीं बनाया, वो कुछ ना कुछ क्या किया हमारे लिए सोचा है, तब जाकर वो क्या कर रहा है कि सारे जीवों को बनाया। दुनिया में हर जीव जंतु छोटे छोटे जीव जंतु का कहीं ना कहीं उपयोग है। तो एंडीन नामक रसायन पर हमें रोक लगानी चाहिए, मेढक के प्रजनन को बढ़ानी चाहिए ताकि हमारे फसलों में ज्यादा कीटाणु जीवाणु बैक्टीरिया उत्पन्न नहीं हो सके। उसके बाद प्राकृतिक खाद का हमें प्रयोग करना होगा, वृक्षारोपण यानी वन का ज्यादा मात्रा में रोपण करना होगा और बांधों का निर्माण करना होगा। बांध का निर्माण ताकि बाढ़ आने से क्या हो, कृषि हम लोग का बर्बाद नहीं हो यानी वहां पर वहां जो है ना देखी जाए एक तरह से जल की वहां जो है ना भूमि एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा पाए। देखो जल अक्रांतता का मतलब क्या होता है, जल अक्रांतता का मतलब होता है जल की ज्यादा मात्रा में उत्पत्ति यानी अधिक सिंचाई आप कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जल अक्रांतता आ जाएगा। जैसे आप यहां पंजाब में हरियाणा में उत्तर प्रदेश में ये सब में क्या होता है, जल अक्रांतता आ जाती है यानी अधिक सिंचाई करने से कृषि उत्पन्न करता है, लोग तो हुक्म नहीं करेगा, अधिक जल कृषि को बर्बाद कर देगा। तो जल अक्रांतता एक बहुत बड़ी समस्या है, इस पर भी हमें व्यवस्था की जानी चाहिए। देखो देश के बांधों को भारत का मंदिर किसने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। कई बार ऑब्जेक्टिव पूछा भी है देश के बांध को किसने भारत का मंदिर कहा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तो बांध का भी निर्माण की जानी चाहिए, इस तरह से हम लोग संक्षारण को क्या कर सकते हैं रोक सकते हैं। तो मैंने आपका पूरा टॉपिक जो आपका खंड क था प्राकृतिक संसाधन इसको मैंने विस्तार से आपको क्लियर करवाइए, एक एक टॉपिक मक्खन कराइए। अगर आप विस्तार से इसको ध्यान से समझिएगा तो एक भी टॉपिक आपका छूटने वाला नहीं है। आई होप मुझे विश्वास है कि आप बेटर से आपको समझ में आ गई होगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग इसका खंड क स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।